आज के स्टूडियो में इडेरी आपको विदेशी नस्ल एचएफ और भारत की स्वदेशी नस्ल गिर गाय की पहचान, उनकी विशेषताएं और उन दोनों के बीच के अंतर को बताएगा। दोस्तों, इडेरी पहले ही एचएफ वर्सेस जर्सी और साहिवाल वर्सेस गिर की वीडियो बना चुका है। आप इन वीडियोस को इडेरी के यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, गिर गाय भारत की स्वदेशी नस्ल है जो कि मुख्य रूप से भारत के गुजरात राज्य में पाई जाती है, जबकि होल्स्टीन फ्रीजियन यानी एचएफ विदेशी नस्ल है जो कि मुख्य रूप से नॉर्थ होलैंड और फ्रीजलैंड में पाई जाती है। गिर गाय को सूरती, बेसोन, भदावरी, काठियावाड़ी और गुजराती और सोरथी के नाम से भी जाना जाता है। गिर गाय मुख्य रूप से गहरे लाल, भूरे, सफ़ेद रंगों के साथ पाई जाती है। कुछ गिर गाय काले रंग की भी होती है। गिर गाय का सींग बड़ा व मुंह लंबा होता है। गिर गाय के कान लंबे और लटके हुए होते हैं। गिर गाय की आँख के पास की चमड़ी लूज होती है। गिर गाय के सींग मोटे व आधे चंद्रमा के भांति होते हैं। गिर गाय का हम्प बड़ा होता है। गिर गाय का एवरेज वजन 385 से 545 केजी के बीच में रहता है। गिर गाय का स्वभाव बिल्कुल शीतल होता है। गिर गाय की एवरेज आयु 12 से 15 साल तक की होती है। अब देखते हैं एचएफ गाय की पहचान। एचएफ गाय काले व सफ़ेद मार्किंग में पाई जाती है। एचएफ को सफ़ेद और काले रंग के कारण स्टाइलिश गाय भी कहा जाता है। एचएफ गाय का एवरेज वेट 450 से 580 किलो के बीच में रहता है। एचएफ गाय साइज में गिर गाय से बड़ी होती है। एचएफ गाय के सींग होते हैं, लेकिन बचपन में ही इन गायों की डीहॉर्निंग यानी सींग काट दिए जाते हैं। एचएफ गाय के शरीर के ऊपर कोई हम्प नहीं होता। गाय ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट होती है यानी समतल होती है। एचएफ गाय के कान छोटे व ऊपर की तरफ सीधे होते हैं। अब देखते हैं एचएफ और गिर गाय में मुख्य अंतर। A1 और A2 दूध। गिर गाय के दूध में A2 नामक प्रोटीन पाया जाता है, जबकि एचएफ गाय के दूध में आधा A1 और आधा A2 प्रोटीन पाया जाता है। इसलिए एचएफ गाय का दूध A1 A2 होता है, जबकि गिर गाय का दूध प्योर A2 दूध होता है। दूसरा अंतर है सूर्यकेतु नाड़ी। गिर गाय पर हम्प होता है जिसे सूर्यकेतु नाड़ी कहते हैं, जो कि सूर्य से प्रकाश लेकर दूध में विटामिन डी की मात्रा को बढ़ाती है, जबकि एचएफ गाय में कोई भी सूर्यकेतु नाड़ी नहीं होती। तीसरा अंतर है कोलेस्ट्रॉल लेवल। गिर गाय के दूध में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जो कि LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ाता है। LDL हमारे शरीर के लिए बुरा होता है, जबकि HDL कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है। फोर्थ डिफरेंस है हाइजीन यानी साफ सफाई। गिर गाय साफ सफाई का पूरा ध्यान रखती है। गिर या कोई भी भारतीय गाय डर्टी यानी गंदगी वाली जगह पर नहीं बैठती, जबकि एचएफ गाय को गंदगी और कीचड़ वाली जगहों में रहना ज़्यादा पसंद है। फिफ्थ डिफरेंस है मेडिसिनल वैल्यू। गिर गाय के दूध में स्ट्रोंटियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाता है और कई हानिकारक बीमारियों से बचाता है। गिर गाय का घी, गोबर, गौमूत्र में कई औषधीय गुण होते हैं, जबकि एचएफ गाय के दूध घी में इतने औषधीय गुण नहीं होते। सिक्स्थ डिफरेंस है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। गिर गाय का मलमूत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम आता है, जबकि एचएफ गाय का मलमूत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग के काम में नहीं लिया जाता। सेवन्थ डिफरेंस है हीट एंड डिजीज रेजिस्टेंट। गिर गाय अधिक गर्मी व सर्दी सहन कर सकती है, जबकि एचएफ गाय ज़्यादा गर्मी होने पर बीमार हो जाती है। गिर गाय की रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है, जबकि एचएफ गाय ज़्यादा बीमार होती है। एट्थ डिफरेंस है मिल्क यील्ड एंड फैट परसेंटेज। एचएफ गाय पर लैक्टेशन
लगभग 4,000 से 6,000 लीटर दूध दे देती है। एचएफ गाय के दूध का फैट परसेंटेज एवरेज 3 से 3.7% तक रहता है, जबकि गिर गाय पर लैक्टेशन लगभग 1700 से 1800 लीटर या अच्छी नस्ल की गिर गाय 3000 लीटर प्रति लैक्टेशन दूध दे देती है। गिर गाय के दूध की फैट परसेंटेज लगभग 4.3 से 4.8% के बीच रहती है। दोस्तों, दुनिया के कई देश भारत से गिर गाय की अच्छी नस्ल ले जाकर अपने देश की नस्ल और दूध सुधार का कार्य कर रहे हैं। वहीं भारत में कई जगहों पर लोग विदेशों से एचएफ या अन्य कोई विदेशी गाय लेकर आ रहे हैं और क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे हैं। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके हमें बताएं कि भारतीय गायों का संरक्षण करना सही है या फिर दूध को बढ़ाने के लिए विदेशी गायों का सहारा लेना चाहिए। सेव गिर, सेव इंडियन कैटल ब्रीड।